के साथ शेयर करती हूँ रोमानिया एम्बेसी का। अभी सबसे ज़्यादा जो काम चल रहा है बांग्लादेशी कैंडिडेट्स के काम चल रहे हैं, नेपाल और इंडियन सिटीजन जो है उनके काम अभी होल्ड हो रखे हैं और बांग्लादेशी कैंडिडेट्स के काम स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि बांग्लादेशी कैंडिडेट्स के जो काम काफ़ी टाइम से बंद थे, उनके फाइलें एक्सेप्ट नहीं हुए थे, तो वो काम अब शुरू हो चुके हैं। तो अभी इंडियन और नेपाल की फाइल को होल्ड कर रखा है, ज़्यादा नहीं बट मोस्टली जो है वो प्रीफ्रेंस जो कर रहे हैं प्रायोरिटी में वो बांग्लादेशी कैंडिडेट्स की ही फाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद थी एम्बेसी उनके लिए और उनके फाइल एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, तो बांग्लादेशी की तो अब उनका टाइम आ गया है, उनके फाइल एक्सेप्ट हो रहे हैं जो भी है। और जो भी बांग्लादेशी कैंडिडेट्स है अपना लोग आप अप्लाई कर सकते हो अपना अपॉइंटमेंट डेट लेके। और आपको पता ही होगा कि बांग्लादेशी कैंडिडेट्स को भी अपने क्या कहते हैं इंडिया वीज़ा लेना होगा और यहाँ पे आके इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू देना कंपलसरी है, विदाउट इंटरव्यू उनका फाइल सबमिशन नहीं होगा, फाइल सबमिट नहीं होगा और एंड लास्ट में जो उनका रिजेक्शन ही आएगा अगर वो फाइल सबमिट करते हैं कोई उनका थर्ड पार्टी। सो याद रखना आपको इंडिया वीज़ा लेके देन यहाँ पे आपको एम्बेसी में इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू आपको देना है और आफ्टर इंटरव्यू आपका रिजल्ट जो भी होगा वो आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन और जो अगर नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा